अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ कि बहू को तो हाथ में रखने की तरकीब बता दी मैंने, अब बहू सास को हाथ में कैसे रखे ये बताना है आपको। ये बड़ा अच्छा गौर है, अपने हाथ में रखना और ये आजमाना, इंशाल्लाह मुझे आप दुआएं देंगी। ठीक है, सबसे पहले भाई तो है कि जब आप, ये मेरा तजर्बा है, ये मैं कुछ गप नहीं मार रही आपके साथ, ये मेरा तजर्बा है। जिस दिन आपने दुल्हन बन के गाड़ी में बैठना है, सबसे पहले अपनी सास को चिपकना है, अपने कहना आज से मैं आपकी बेटी, आ मेरी माँ, खत्म होगी बात। उसके बाद जब घर आती हैं अपने खामन को बड़ी अच्छी तरह, ज़रूरी नहीं कि वही सलाम करे, आप भी सलाम करना बस। ठीक है, सलाम करने के बाद आपने नफल पढ़ने हैं शुक्राने के, अल्लाह ताला हमें ता हयात इकट्ठे रखना और हमारी बरकत डालना इत्तफाक में और रिज़्क में और हमारी नस्लों में, हर चीज़ के लिए आपने दुआ अल्लाह ताला से करने के, हम नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमारे लिए बरकत आफियत रहमत रखना अपने पास। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद आपने दूसरे दिन आपने टाइम पर उठ जाना, बेशक आपका खामन थोड़ा लेट भी उठे तो कोई बात नहीं, आपने नहीं झिझक महसूस करनी, आपने पहले उठना है, उठ के जाके अपनी सास को सलाम करना है, नंदों को करना, जो घर में गेस्ट आए उनको सलाम दुआ कर लेना। ये एक यानी कि ऐसे समझे कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको लगेगा तो सही ओवर सा, मगर ये चीज़ बड़ी पॉइंट वाली है। तो आपने सबको सलाम करना है, उसके बाद आपने 5 मिनट उनके पास बैठ जाएँ, 2 मिनट बैठ जाएँ, बैठने के बाद बेशक अपने कमरे में आए, उसके बाद बेशक सो ही रहें, बेशक सो ही रहें, डोंट वरी आप। उसके बाद अल्लाह भला करे आप जैसे ही आपका घर में कदम आ जाता है, आपने बहू नहीं रहना, आपने बेटी बन जाना। कितनी देर के लिए? आपने मैक्सिमम 3 साल 2 साल के लिए बेटी बन जाना है। उनको सब घर वालों को यूँ आपने हंस के मुस्करा के और अपना स्माइली फेस रखना घर में, और कोशिश करनी कि सुबह उठो सबको सलाम करो। मेरी बहू आज तक 8 साल हो गए सलाम करती है मुझे, तो ऐसी तरह मैं कहती कि मैं उसको इतना पसंद करती हूँ, तो आप क्यों पीछे रह जाएं। तो मेरी बेटियों, प्यारी बेटियों, आपने अपनी इज्जत खुद करवानी है। आप उनकी इज्जत जितनी रिस्पेक्ट करोगी ना अपनी सास की, खासकर सास को पता है क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, उसके बेटे को खुश रखना, बेशक वो जैसा भी है बुरा भला, मगर आपने सास के सामने उसको बुरा भला नहीं कहना। आप अंदर जाके जो मर्जी उसको डांट ले ढपल ले, वो तो आपका हक है, वो तो आपकी जागीर होती है ना। तो इसलिए फिर आप ना सास के सामने उसके बेटे को कुछ नहीं कहना, उसकी अच्छी देखभाल करनी, उसको खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने सास के देनी। सास की तरफ से बेशक आपको कोताही हो जाए कि उनकी खिदमत में कोई कोताही रह गई, खैर है, वो आपका फ़र्ज़ नहीं है, वो आपके लिए सवाब है। अगर आप करेंगी कल को आपकी औलाद भी आपकी खिदमत करेगी, ये आपने इसलिए उनकी खिदमत करनी है, ये आप पे फ़र्ज नहीं है, ये सिर्फ आपने अपने लिए करनी है कि आज मैं इनकी खिदमत करूँगी, कल को मेरी औलाद मेरी खिदमत करेगी। और बड़ों की दुआएं लेना तो आपको पता फिर खाली नहीं जाता, ज़ाया नहीं जाता। तो ये बात है, ये बहुत पते की बातें हैं, आपने इनको पल्ले बांध लेना है। ठीक है, मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया में, ये हर लड़की को अपने पे आजमानी चाहिए, ये चीज़ें चंद चीज़ें, जो 2-4 दिन की साल के लिए आपने उनकी गुलाम बन जाना, मेके को भूल जाना, मेके ही होते हैं, 2 आंसू बहाओगी वो मान जाएंगे, ससुराल के दिल में नफरत आ गई सारी ज़िंदगी नहीं जाएगी। ठीक है, उनको समझाना अम्मी अभी मुझे कुछ देर आपने फ़ोन शोन नहीं करने, कम करने हैं, और कम ही मैं मिलूँगी आके, क्योंकि उनके दिल में जगह कितना, वो तो आप तो अपना मेका छोड़ के आई हो, तो आपने अपने मेकअप को तो 20-25 साल दिए ना, अब आपका जो ता हयात के लिए घर है आपने उनको टाइम देना है। ठीक है, 2-4 साल जैसे आपके पांव पक्के हो जाते हैं घर में, आपके अल्लाह ताला बेबी बच्चे दे देते हैं, आप मसरूफ़ हो जाते हैं, उसके बाद आप इधर से उतरें इधर से चढ़ें, सारा घर आपका, सारी घर के लोग आपके, और आपका खामद तो आपका फिर ऐसा मती होगा कि आपने तो समझे उसको जीत लिया, उसका दिल जीत लिया। तो ये आपने, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आप इस पे आजमाएं और करें। वो अपनी माँ को हंस के मिले, गले मिले, खिदमत करे, जो मर्जी चीज़ें ला के दे, आप मैंने माइंड नहीं करना, आपने बिल्कुल माथे पे किसी तरह का बल नहीं डालना, क्योंकि वो उसकी माँ है, उसका फ़र्ज़ है बेटे का, तो माँ की खिदमत करना, माँ के हकूक पूरे करना, ये बेटे का फ़र्ज़ है।
क्योंकि माँ बाप भी इतना देखें आपके लोगों के लिए कितना कुछ करता है, तो जब उनकी बारी आती है और बहनों को आपने खुद कहना उनको कि बहनों के घर हम 1 वीक के बाद जाएं और खाली हाथ ना जाएं, उनकी दुआएं भाइयों के लिए इतनी मुखलिस मोहब्बत होती है ना कि शायद आप अपने में से होकर जब सोचेंगे ना आपको एहसास होगा कि वाकई भाइयों की मोहब्बत जो होती है ना वो बिल यानी कि बहनों की मोहब्बत जो होती है ना वो आप कहीं नहीं आपको मिल सकती, वो बहुत बेलौस और अंदर की मोहब्बत होती है। तो आप बहनों के भी हकूक़ पूरे करें, दिन दहार आए शबरात आए उनके घरों में जाएं, उनको प्यार दें, उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह उनको घरों में अपने आबाद रखें, तो ताकि आपके लिए कोई ऐसा बर्डन ना बने कि आपकी बहू बेटी नाराज़ होकर गार आए। तो आप अपने दिमाग को खुश रखें, दिमाग को खुश रखेंगी तो बेटी ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। उसकी सास के पास जब आपने बेटी को मिलने जाना है, आप बहनों के लिए जान के उनकी बेटियों की माओ के लिए ये तकीर है कि आपने अपनी सास उसकी सास के पास बैठना है, उनमें बड़ों में बैठना, ये नहीं कि आप बेटी के कमरे में चली गई हैं बस उधर ही उन्हीं की बन गई, नहीं ऐसे नहीं। आपने पहले उनके दिल में जगह बनाने के लिए उनको मोहब्बत देनी है, उनको इज्जत करनी है। आप गाय बगाए उनकी दावत करती रहा करें, गाय बगाए कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया उसकी सास को अपनी कुड़मनी को, तो देखना इंशाल्लाह आपकी बेटी खुश रहेगी हमेशा। अब बात शाद रहेगी, मेरी इतनी तकीद है जिससे बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है कोई भी। आप बेशक काम कोई भी ना करेंगी, आप उनके दिल में वैसे ही इत्तफाक से मोहब्बत डालेंगी तो यकीन माने आपका हर जगह तारीफ हो। ठीक है, ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।